बढ़ती भीड़ के कारण रेलवे जितनी भी सुविधाएं मुहैया करा रहा है उतनी ही कम है। आलम यह है कि यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे पंखे और पीने के पानी के साधन की जगहों पर भीड़ ही भीड़ है। 40 से लेकर 49 डिग्री के बीच चल रहे पारे के कारण लोग जनरल कोच में यात्रा करने में तकलीफ में हैं। यात्रा कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। क्या रेलवे कोई व्यवस्था किया? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। पानी पीने के लिए या सीट की अलग से बोगी के लिए? कहाँ जाएंगे आप? लुधियाना जाएंगे। लुधियाना जाएंगे, ट्रेन में तो गर्दी अधिक है, बहुत ज्यादा है। हम एक दिन आपस भी चलेगा, दूसरे दिन आए हैं यहाँ पे। अच्छा, एक दिन वापस चले गए, सोमवार को वापस चले गए, आज फिर दूसरे दिन आए हैं। वहीं रेलवे की CPRO का कहना है कि यात्राओं की सुविधाओं का सारा ख्याल रखा जा रहा है। गर्मी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन मुस्तैद है। पिछले साल की तुलना में मई तक जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा कोचेज लगाए थे ट्रेनों में, वो पिछले साल मई तक 18-19 में 85 कोचेज लगाए थे, जबकि इस साल अब तक 289 कोचेज लगाए जा चुके हैं। तो इन चीज़ों का इस गर्दी को कैसे इस टैकल किया जाए, इसके लिए ध्यान दिया जा रहा है और समर स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं, जिससे कि जनता सहूलियत से अपनी यात्रा कर सके। और साथ में रेलवे प्रशासन जो है आपका पानी, पीने का पानी, पेयजल, शीतल पेयजल इत्यादि का जो है अरेंजमेंट भी कर रही है प्लेटफॉर्म्स पे। इसके अलावा मैं पैसेंजर्स से भी अपील करूंगा कि अपने साथ पेयजल रखें, सफिशियंट मात्रा में पानी पीते रहें, जिससे कि उनकी यात्रा सुखद और सफल हो सके। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं। यह स्टेशन NER का मुख्यालय भी है, साथ ही ये जोन के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाता है। लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं प्रशासन मुहैया करा रहा है उतना कम पड़ रहा है। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।